नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है सैमसंग गैलेक्सी M52 5G। दोस्तों, अगर आपने इस फोन को One UI 5.1 में अपडेट कर लिया है तो आपके फोन में अब ऑब्जेक्ट इरेजर काम नहीं करेगा। तो पहले अगर आपने अपने फोन में साइड लोड करके ऑब्जेक्ट इरेजर को इनेबल किया होगा तो अब आपके फोन में वो फीचर काम नहीं करेगा। तो अगर आप देखोगे, मैंने अपने फोन को कर लिया है अपडेट One UI 5.1 में, इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट इरेजर मिसिंग है। तो अगर आप चाहते हो फिर से इसे इनेबल करना तो आपको एक zip फाइल को डाउनलोड करना है, जिसकी लिंक मैंने दे दी है डिस्क्रिप्शन में। आपको उस लिंक पे टैप करना है या आप उसे ओपन कर सकते हो किसी भी ब्राउजर में। तो URL पेज ओपन होगा, आपको ऊपर में डाउनलोड के बटन पे टैप करना है। फाइल का नाम है ऑब्जेक्ट इरेजर One UI 5.1 ES। फाइल की साइज है 101 MB और जो फाइल है कंप्लीटली सेफ है, आप इसे बिना किसी टेंशन के डाउनलोड कर सकते हो। फिर आपको डाउनलोड एनीवे पे टैप करना है। फाइल जब डाउनलोड हो जाएगी तब आपको माय फाइल्स को ओपन करना है, जाना है डाउनलोड्स के फोल्डर में और यहाँ पे शो करेगी आपको zip फाइल, आपको इसे ओपन करना है। फिर आपको एक्सट्रैक्ट पे टैप करना है, पासवर्ड आपको एंटर करना है हमेशा की तरह यस टेक्नो स्मॉल लेटर में। एक्सट्रैक्ट पे टैप कीजिए, सभी फाइल हो जाएगी एक्सट्रैक्ट। फिर आपको सभी को वन बाय वन इस तरीके से करना है इंस्टॉल, डन इंस्टॉल। तो चारों APK को मैंने कर लिया है इंस्टॉल। इसके बाद आपको गैलरी ऐप को ओपन करना है, किसी भी फोटो को ओपन करके उसे एडिट कीजिए और जैसे आप 3 डॉट पे टैप करोगे आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट इरेजर का ये फीचर जो पहले मिसिंग था। इसमें आपको इरेज शैडो और इरेज रिफ्लेक्शन का भी फीचर मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से जो ऑब्जेक्ट है उसे इरेज कर सकते हो, आप देख सकते हो। इस तरीके से आप अपने सैमसंग गैलेक्सी M52 5G में One UI 5.1 अपडेट के बाद ऑब्जेक्ट इरेजर को फिर से इंस्टॉल करके इनेबल कर सकते हो। दोस्तों, ये था इस वीडियो में। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।